Hello dear students, welcome to our YouTube channel that is Shoaib Science Academy. तो आज हम क्लास सेवन्थ साइंस का एक चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नाइन है और आपके T2 के सिलेबस में है और उस चैप्टर का नाम जो है दैट इज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो क्लास सेवन्थ के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसको आप फिर हायर क्लास में भी इसका जो कंसेप्ट है वो पढ़ते हैं, खासकर टेंथ क्लास में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है? तो इसको समझने के लिए मैं पहले आपको कुछ एग्जाम्पल्स की यहाँ पे एग्जाम्पल्स से समझाता हूँ, फिर आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी व्हीकल्स होती हैं या ऑटोमोबाइल्स होती हैं या जो गाड़ियां वगैरह होती हैं तो वो रन कैसे करती है? वो रन करती है ऑन डीजल और पेट्रोल। जो पेट्रोल होता है या डीजल होता है या जिनको हम फ्यूल्स बोलते हैं, तो उन फ्यूल्स की वजह से जो उनका इंजन है वो रन हो जाता है और वो फ्यूल्स वहाँ इंजन में बर्न होते हैं, जलते हैं और तब जाके ये जो गाड़ी है ये रन होती है। तो इसी तरीके का आप एग्जांपल ले लीजिए हमारी बॉडी के अंदर कि जो ह्यूमन बींग्स हैं हम में कैसे होती है ये प्रोसेस और इस प्रोसेस के जरिए क्या होता है। जैसे इन गाड़ियों में इस डीजल या पेट्रोल की वजह से इन व्हीकल्स को एनर्जी मिल जाती है और तब जाके ये रोड पे हमें चलते हुए नजर आते हैं। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो फूड होता है, जो गिज़ा हम खाते हैं, वो फूड भी हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज होता है, उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है और ये ऑक्सीजन इस फूड को ऑक्सीडाइज करता है। दैट इज देयर ऑक्सीजन इज एडेड टू द फूड और उसके बाद क्या हो जाता है, जब ये ऑक्सीजन जो हम ब्रीदिंग के थ्रू अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन जब इस गुज़ा के साथ मिल जाता है तो क्या होता है, उस टाइम इस फूड से एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी से हम फिर बाकी जो काम है बॉडी के वो अंजाम देते हैं। जिस तरीके से इस गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल या डीजल हमने भरा है, ये पेट्रोल डीजल जलने के बाद इस गाड़ी में एनर्जी पैदा कर देता है और उसी एनर्जी की वजह से ये गाड़ियां चलती हैं। तो सेम इज द केस विथ ह्यूमन बींग्स के हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के जरिए हमारे फूड के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है, ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि ये ऑक्सीजन इस फूड को ऑक्सीडाइज करता है और फिर उस गिज़ा से हमें एनर्जी हासिल होती है। सो वी से दैट द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी कि वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के जरिए गिज़ा में से एनर्जी रिलीज हो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, वी कॉल इट रेस्पिरेशन। ऐसा तब होता है जब फूड डाइजेस्ट होके उसके साथ, यानी कि हम यहां पे अगर मैं आपको समझाऊं, जो एनर्जी रिलीज होती है कब होती है, जब ये फूड डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो जाता है और इसके डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं, रिएक्ट करते हैं एंड फूड इज ऑक्सीडाइज्ड, तो उस टाइम हम बोलते हैं कि ये जो फूड है ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज का मतलब यहां पे जब फूड के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाए और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन,
इट इज द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द फूड विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि जब फूड में से एनर्जी रिलीज हो जाए, कब हो जाती है रिलीज, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उस टाइम हम इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। नाउ मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ, आप यहाँ पे इस रिएक्शन की तरफ देखिए, हमारे पास है ग्लूकोज जो कि एक तरह का फूड है, तो जब इसी फूड के साथ मिल जाता है ऑक्सीजन, यहाँ पे यह है ग्लूकोज इज अ फूड एंड व्हेन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, तो जब ये ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होता है, या इन अदर वर्ड्स वी से दैट जब इसके साथ ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या होता है, उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस होता है, उसके बाद क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है एंड एनर्जी इज रिलीज। तो इसी एनर्जी की मैं अभी बात कर रहा था कि इस प्रोसेस के जरिए एनर्जी रिलीज होती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। नाउ जो रेस्पिरेशन है हमारी बॉडी के अंदर, ये कंप्लीट होती है टू स्टेप्स में। अगर आप अपनी बुक को भी यहाँ पे देखें, बुक निकाल सकते हैं आप, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो आपकी बुक पे लिखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे वो सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप अपनी बुक को भी खोल के रखिए और उस पर भी पढ़िए। जो रेस्पिरेशन है दो स्टेप्स में ये कंप्लीट होती है ये रेस्पिरेशन, और वो दो स्टेप्स क्या है, नंबर फर्स्ट स्टेप इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। तो एक तरह का एक स्टेप है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मीनिंग है इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। व्हाट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, देखिए आपको पता ही है हम ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, इंसानों में क्या होता है, हम जब सांस लेते हैं तो अंदर हम ले जाते हैं ऑक्सीजन और वहां से बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो अंदर ऑक्सीजन ले जाना बॉडी के अंदर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेलेशन, और हमारी बॉडी से जब सांस लेते वक्त हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं बाहर, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो यह है इस रेस्पिरेशन का पहला स्टेप, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। इसका नंबर सेकंड जो स्टेप है वो है इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये कौन सा स्टेप है, ये वो स्टेप है जिसमें होता है एक्सचेंजिंग गैसेस इन सेल्स विच यूटिलाइज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी ब्रेकिंग डाउन द फूड मॉलिक्यूल्स, यानी कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि सेल्स, हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने के दौरान क्या होता है, वो सेल्स यूज करते हैं ऑक्सीजन, हमारी बॉडी सेल्स यूज करते हैं ऑक्सीजन, उसका इस्तेमाल करते हैं, और किस में यूज करते हैं, टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी तवानाई पैदा करने के लिए, और जिस एनर्जी से फिर हम बाकी एक्टिविटीज करते हैं, और क्या होता है इसमें, इसमें होता है ब्रेकिंग डाउन द फूड मॉलिक्यूल्स, तो इसी ऑक्सीजन की फिर वजह से होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और अल्टीमेटली फाइनली जब ये फूड ब्रेक हो जाता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो उस टाइम क्या प्रोड्यूस होता है, एक होता है प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड एस ये प्रोसेस कंप्लीट होने में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ पे दिखाई है, और ये रिएक्शंस जो है कंप्लीट होती है या स्टार्ट होती है कुछ एंजाइम्स की वजह से, तो हेंस वी से दैट दीज केमिकल रिएक्शंस दे आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम एक्शन और वेरियस एंजाइम्स, तो बहुत सारी एंजाइम्स की वजह से ये सब होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे इस चैप्टर के जो पहले पार्ट को आप समझ गए होंगे, तो अगले टॉपिक में मैं आपको रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है वो भी समझाने की कोशिश करूंगा, और आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आखिर में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक यू।